YouTube खोलते ही आती है शाही पनीर की एड। देखिए आज हम वही वाला शाही पनीर बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर, वो भी घर में अवेलेबल सामान से। इसके लिए हमें चाहिए 4 एकदम लाल पके हुए टमाटर, 2 प्याज, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। इन सभी सब्जियों को हमें बस रफली चॉप कर लेना है, मोटा या पतला कैसा भी हम इसे चॉप कर सकते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप पानी और जो हमने अभी सब्जियां काटी हैं, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक, टमाटर, प्याज, ये सब हम इसमें डाल देंगे। अभी इसमें कोई घी, ऑयल, बटर अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ सब्जियाँ डालेंगे पानी में और डालेंगे 1/2 चम्मच इसमें हम नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक सब्जियों में मिक्स हो जाए और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि ये टमाटर प्याज अच्छे से पक जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए, फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। देखिए आप चेक कर सकते हैं, प्रेस करके टमाटर प्याज अच्छे से दब रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अभी हार्ड है तो 2 से 3 मिनट तक आप इसे और ढककर पका सकते हैं। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और जो ठंडा किया हुआ प्याज टमाटर है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम लेंगे एक बोल, उसके ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर और इसे हम छान देंगे ताकि इसमें कोई अदरक के रेशे या टमाटर के छिलके हों वो निकल जाएँ। चाहे तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बिना छाने भी इसका हम शाही पनीर बना सकते हैं। अभी हमें एक पेस्ट और रेडी करना है। हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे 8 से 10 काजू और 1 चम्मच मेलन सीड। आप चाहें तो वाटर मेलन सीड्स भी ले सकते हैं और डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे शाही पनीर का टेस्ट मीठा भी हो जाता है और क्रीमी भी हो जाता है। 1/2 कप दूध डाल के इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छी क्रीम सी बन गई है हमारी। अब हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच घी और 1/2 चम्मच बटर। जब ये गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते डालेंगे हम इसमें और फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब डालेंगे हम 1 चम्मच देगी लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। अब डालेंगे जो हमने छान कर प्यूरी रेडी की थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें अब नमक और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने इसको बॉईल करने में भी 1/2 चम्मच नमक डाला था। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा फिर जो हमने मिल्क रेडी किया था काजू और वाटरमेलन के सीड्स डालकर और मिल्क पाउडर डाल के, वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को अभी हम हाई कर देंगे और इसमें अच्छे से बॉईल आने तक इसे चलाते रहेंगे। इसको इस टाइम पे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब फ्लेम बिल्कुल स्लो करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारा ये मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अब मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है वो डाल दिया है और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल दी है। इसे हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि ये पनीर टूटे ना। इसे फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि पनीर के अंदर तक अच्छे से ग्रेवी का मसाला चला जाए। देखिए शाही पनीर हमारा कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। रुकिए, अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी इसे हमें फिनिश करना है। अभी इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे और भी ज़्यादा अगर आपने क्रीमी बनाना है तो इसका ये टिप है कि एक पनीर का पीस आप इस तरीके से ग्रेट करके इसमें डालें तो जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो जाएगी। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही चलाना है ताकि पनीर टूटे ना और फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई नहीं करनी। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये मसाला जल जाएगा। देखिए शाही पनीर हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया। इसे आप
पूड़ी, पराठा, लच्छा पराठा, चिली पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दी है क्रीम। इसे मैंने सर्व किया है घर के बने हुए तंदूरी रोटी के साथ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए रोटी भी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।